Assalamu alaikum and welcome back to Eat in My Pocket. Welcome back with Organic Chemistry. Aaj hum Organic Chemistry shuru karenge and I'm gonna give a review about Organic Chemistry. Organic Chemistry. Organic Chemistry about ETA. ETA ke baare mein baat karenge ki ETA mein Organic Chemistry se kaun kaun se questions aate hain. और कैसे आते हैं बिकॉज वी हैव टू स्टडी दिस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फॉर ईटा सो देयर फॉर वी गोना टॉक अबाउट ऑल द क्वेश्चंस रिलेटेड टू ईटा ओके सो पहला जो क्वेश्चन है द फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम ईटा इज दैट इज जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पहला क्वेश्चन होता है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से जो दूसरा क्वेश्चन होता है इसमें जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर बल्कि मैं इसके अंदर मैं आपको कहूँ जी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जो दूसरी चीज़ आपको आती है इसके बाद वो आती है क्या रिएक्शन मैकेनिज्म ये दूसरी चीज़ है तीसरी वो है इन द थर्ड वन यू नीड टू नो अबाउट द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स लाइक अगर इसमें है अब रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स जब आप पढ़ते हैं कि फॉर एग्जांपल एक रिएक्शन हो रहा है दिस इज़ अ रिएक्शन और ये रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है ये जो रिएक्टेंट कन्वर्ट होता है प्रोडक्ट में इसके अंदर इन रिएक्टेंट्स में इन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के अलावा किसी और चीज़ की ज़रूरत है तो है तो अगर है वो क्या चीज़ है फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई कैटलिस्ट चाहिए क्या चाहिए कैटलिस्ट या कोई एक्स्ट्रा रिएजेंट चाहिए तो जो कैटलिस्ट चाहिए वो हम पढ़ेंगे कि ऑल द कैटलिस्ट्स हम पढ़ेंगे कि इसमें जो कैटलिस्ट्स हैं वो कैसे काम करते हैं अब उसके बाद जो आता है जो रिएक्शंस होते हैं कुछ रिएक्शंस हैं जो कि हैं जिसको कहते हैं नेम रिएक्शंस हम पढ़ेंगे नेम रिएक्शंस एंड द फिफ्थ थिंग इज टेस्ट्स ठीक है अब पहला वाला पॉइंट जो है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे और कैसे हम पढ़ेंगे याद रखना जो पहला पॉइंट है दैट इज़ जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को फर्दर हम डिवाइड करेंगे जिसमें हम पढ़ेंगे जो जनरल फॉर्म्स है फॉर एग्जांपल व्हाट इज़ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डिवर्सिटीज़ के इसके इतने ज़्यादा कंपाउंड्स क्यों हैं तीसरे जो पॉइंट हम पढ़ेंगे जो कि आपकी बुक में भी है एंड दैट इज़ अबाउट पेट्रोलियम एंड कोल एंड गैस एट्सेट्रा इसके बारे में हम शॉर्टली पढ़ेंगे क्योंकि इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है इसमें हम पढ़ेंगे बकी बाल का जो क्वेश्चन आता है बकी बाल का विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ जो लिब्रिकेंट है एंड विच इज़ सॉफ्ट एंड विच इज़ हार्ड एंड विच इज़ सेमी कंडक्टर एंड सुपर कंडक्टर तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं इससे नेक्स्ट जो है उसमें से है आइसोमेरिज्म हम पढ़ेंगे आइसोमेरिज्म इसके बारे में बात करेंगे एंड दो चीज़ें हैं एक को कहते हैं इंडक्टिव इफेक्ट अब डायरेक्ट ये क्वेश्चन आता नहीं है लेकिन चूंकि ये इफेक्ट एक्सप्लेन हो गया है बुक में नाम बहुत कम है इसका लेकिन हम डिटेल में पढ़ेंगे बिकॉज मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस नीड इंडक्टिव इफेक्ट और मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज नीड इंडक्टिव इफेक्ट इसमें नॉमिनक्लेचर डिपेंड करता है अगर आप लोग कहते हैं मैं पढ़ाऊँ तो मैं पढ़ाऊँगा नहीं तो इसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है नहीं तो मैं आपको एक्सेप्शनल केसेस और इस टाइप की नॉमिनक्लेचर पढ़ाऊँगा इसके अलावा है इसमें फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो पढ़ेंगे हम एंड इसके अलावा फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के अलावा जो हम पढ़ेंगे इसमें ये मेसोमेरिक इफेक्ट और बाकी इफेक्ट्स जो हैं वो ये चीज़ें हम पढ़ेंगे ओके अब इन चीज़ों को देखें आपको लगेगा कि इसके अलावा यहाँ से लेकर यहाँ तक ये तकरीबन फर्स्ट चैप्टर में कवर हो जाता है These are the further things which can cover in the first chapter. उसके बाद inductive effect,
ये एक जनरल टॉपिक है जो कि पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको ये कंसेप्ट काम आएगा। नॉमेनक्लेचर है वो भी फर्स्ट चैप्टर के साथ रिलेटेड है। फिजिकल प्रॉपर्टीज़, तो याद रखिए फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं इनकी एक लिस्ट जो है वो बनाएंगे आप, और वो लिस्ट क्या करेंगे आप, फॉर एग्जांपल है अल्केन, अल्कीन, अल्काइन एट्सेट्रा। अब ये अल्कीन, अल्केन सिंगल बॉन्ड वाला, डबल बॉन्ड वाला और ट्रिपल बॉन्ड वाला। अब ये आप देखेंगे कि इसकी प्रॉपर्टीज़, इसकी प्रॉपर्टीज़, इसकी प्रॉपर्टीज़, तमाम प्रॉपर्टीज़ जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ है वो, उसके बाद अल्डिहाइड एंड कीटोन, एसिड और फिर एसिड डेरिवेटिव्स, उनके आप जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो साथ में लिखेंगे। तो जब ये प्रॉपर्टीज़ आप साथ में लिखेंगे उसमें जो एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज़ है वह मैं आपको बताऊँगा, या अगर मुझे टाइम मिला और मैंने ये लिस्ट बनाई तो मैं आपको दे दूँगा। कुछ चीज़ ऐसी हैं जो हमने पहले पढ़ी है, उसके कुछ नोट्स मैं आपके साथ शेयर करूँगा, इसलिए आप सब अपना ईमेल एड्रेस नहीं, अपना जो मेलिंग एड्रेस है वो मुझे सेंड करें, ठीक है। उसके बाद हम आएंगे टुवर्ड्स द रिएक्शन मैकेनिज्म। रिएक्शन मैकेनिज्म वो है जिसमें से तकरीबन 80% रिएक्शंस हो जाते हैं, ठीक है। तो रिएक्शन मैकेनिज्म में हम पढ़ेंगे कि जो मैकेनिज्म है कितने टाइप का होता है। सबसे पहले हम शुरू करेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से, पूरे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में आपको समझाऊंगा। उसके बाद है एडिशन रिएक्शन है तमाम, तो एडिशन रिएक्शन को पढ़ेंगे, एडिशन, और आखिर में है एलिमिनेशन रिएक्शन, E1 E2 एलिमिनेशन रिएक्शन। दो रिएक्शंस रहते हैं, एक को कहते हैं रीअरेंजमेंट, क्या, रीअरेंजमेंट, और एक और है जिसको कहते हैं रीअरेंजमेंट और इसको कहते हैं पायरालिसिस। ये तो जो रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ेंगे हम, ये तीन पहले वाले तीन जो है जिसमें सब्स्टिट्यूशन, एडिशन एंड एलिमिनेशन, हम ये बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। रीअरेंजमेंट वाली रिएक्शंस जो कि जहाँ कार्बोकेटायन बनता है तो उधर रीअरेंजमेंट प्रोसेस होता है, ये उधर हम पढ़ेंगे। पायरालिसिस हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये FSC का हिस्सा नहीं है, तो इसकी हम जनरल एक बात करेंगे लेकिन हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे नहीं बिल्कुल। आते हैं इसकी तरफ, कैटलिस्ट की तरफ। तो जो कैटलिस्ट है, अब रिएक्शंस आपने जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो हो गई, रिएक्शंस आपने इधर समझेंगे कौन कौन से रिएक्शंस हैं और कैसे होते हैं, वो रिएक्शंस हम इधर पढ़ लेंगे। अब ये रिएक्शंस हमने पढ़े, इसके साथ हम इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल क्या है, कौन सा इलेक्ट्रोफाइल इस्तेमाल होता है, कौन सा न्यूक्लियोफाइल इस्तेमाल होता है, कौन सा अर्धो डायरेक्टिंग है, कौन सा पैरा डायरेक्टिंग है, कौन सा मेटा डायरेक्टिंग है, कौन सा एक्टिवेटिंग ग्रुप है, कौन सा डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, और वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। लेकिन जो चीज़ें रह जाएंगी वो क्या है, वो है कैटलिस्ट। अब ये तमाम रिएक्शंस जो हैं, तमाम रिएक्शंस उनमें कैटलिस्ट इस्तेमाल होता है। तो कैटलिस्ट कौन सा है, मतलब किसी हाइड्रेशन के लिए कौन सा, डिहाइड्रेशन के लिए कौन सा, ऑक्सीडेशन के लिए कौन सा, रिडक्शन के लिए कौन सा, ये डिहाइड्रेशन, एंड उसके बाद जो है एलिमिनेशन अगर हम करेंगे तो कौन सा इस्तेमाल होगा, और उसके बाद अगर हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करेंगे तो SN1 के लिए कौन सा और SN2 के लिए कौन सा। इस तरह हम एलिमिनेशन रिएक्शन करते हैं तो अगर हम एक्वियस केविच इस्तेमाल करते हैं क्या होगा, और अगर हम अल्कोहलिक केविच इस्तेमाल करेंगे क्या होगा, मतलब E1 के लिए कौन सा, E2 के लिए कौन सा, कब फेवर होगा, कैसे फेवर होगा, वगैरह वगैरह। ये सारी बातें जो हैं जो कि हम पढ़ेंगे इन द अंडर द कैटलिस्ट्स, ठीक है। इसकी लिस्ट भी है, आपकी बुक की लिस्ट भी मैं बताऊंगा, और उस लिस्ट में थोड़ा सा इजाफा भी करूंगा क्योंकि कभी कभी ईटा में या जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स है, बाकी लोग जो बाकी एग्ज़ाम्स में से हैं जो कि मेरे ख्याल में जो MDKAT के लोग हैं वो, और जो NTS देंगे जो कराची वाले हैं वो, और क्विटा के दो लोग हैं मेरे ख्याल में, तो वो लोग जो पढ़ेंगे उनके लिए मैं बताऊंगा कि ये उनके लिए एक्स्ट्रा है, मतलब ये सब के लिए ऐसा होगा कि सबके लिए क्लियर हो जाएगा। नेम रिएक्शंस हैं, तो नेम रिएक्शंस हैं उनके लिए हमने जो निमोनिक्स बनाई हैं वो उसके थ्रू करेंगे, क्या, निमोनिक्स, तो निमोनिक्स हम करेंगे। आखिर में जो आता है दैट इज़ टेस्ट्स, अल्डिहाइड के लिए, कीटोन के लिए, डबल बॉन्ड के लिए, सैचुरेशन के लिए, अनसैचुरेशन के लिए, लोकेशन के लिए, वगैरह वगैरह। तो टेस्ट्स हम पढ़ेंगे उनके लिए, मतलब ये सारे टेस्ट जो शुरू करेंगे, ब्रोमीन, वाटर, लोकस टेस्ट, फेलिंग सॉल्यूशन वगैरह वगैरह, नाइट्रेट्स वगैरह, तो ये सारी चीज़ें जो टेस्ट्स हैं ये हम अलग पढ़ेंगे। अब ये ख़त्म हो गया,
तो आगे हम क्या करेंगे, आगे हम ये करेंगे कि कुछ रिएक्शंस ऐसे हैं कि वो थोड़े से डिफरेंट है। तो पहले तो हम क्या करेंगे, कुछ आखिर में कुछ चार्ट्स में बताऊंगा आपको कि चार्ट्स से तमाम रिएक्शंस कैसे होते हैं या मैक्सिमम रिएक्शंस कैसे होते हैं। तो जब वो चार्ट्स हम करेंगे, उन चार्ट्स के बाद हमारे पास कुछ रिएक्शंस रह जाएंगे जो कि आम ट्रेंड के साथ नहीं होते, मतलब ये ट्रेंड या ये वाला ट्रेंड वो फॉलो नहीं करेगा। जैसे डाइजोनियम साल्ट का रिएक्शन है या बाकी दो तीन ऐसे रिएक्शंस हैं जो आपकी बुक में जो कि नहीं है, तो वो भी हम करेंगे। तो क्या करेंगे कि नॉन टिपिकल रिएक्शंस जो है, नॉन टिपिकल रिएक्शंस कर लेंगे कि इसमें जो नॉन टिपिकल रिएक्शंस है वो कौन से हैं। ये है तमाम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इतना मुश्किल कुछ नहीं है जो आपको लगता है। जैसे आपको ये लगता है कि आपको कॉलेजेस में वो महीनों में पढ़ाते हैं, तो महीनों में हम नहीं पढ़ेंगे बल्कि एक हफ्ता के अंदर ये और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री दोनों हम कवर करेंगे, और बिल्कुल फ्रेश लेक्चर के साथ हम कवर करेंगे। जो पुराने लेक्चर्स हैं वो मैं आपको नहीं दूंगा, पुराने तो कुछ ना कुछ आपको ऑनलाइन मिल भी जाएंगे, लेकिन ये जो लेक्चर्स हैं दीज आर सोलली फॉर दोज पीपल हु आर रजिस्टर्ड ऑन माई चैनल। ओके, मेरे ख्याल में सिर्फ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लेक्चर्स में से ये वाहिद वो वीडियो है जो कि होगी ऑनलाइन पब्लिक होगी, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स जो कंप्लेंट कर रहे थे कि हमने पेमेंट की है लेकिन वीडियोस फिर भी आपकी पब्लिक होती है, तो ऐसा नहीं है। जो उसमें से कुछ वीडियोस जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ये पहली वीडियो जो कि रिकॉर्डेड वीडियो है और जो कि पब्लिक वीडियो है, उसके अलावा कोई वीडियो पब्लिक नहीं होगी, मतलब इस सीरीज़ की, ठीक है, जो अलग हैं उनकी। ओके, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वो केमिस्ट्री है जिसके लिए आपको एक बैकग्राउंड नॉलेज चाहिए। तो ये जो चीज़ें हम पढ़ेंगे इंडक्टिव इफेक्ट के साथ, शायद मैं आपको मेसोमेरिक इफेक्ट भी थोड़ा सा पढ़ाऊँ, या मैं कुछ और ऐसी चीज़ें हैं जो मैं आपको पढ़ाऊँ। एक और बात यह है कि अगर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से पहले अगर आप पढ़ लेते फिर ज़्यादा अच्छा होता, क्योंकि ये ज़्यादा सही हो जाती है, क्योंकि K104 और K2Cr27 ऐसे हैं जो कि पूरी किताब में फैले हुए हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कहीं भी आप ऑक्सीडेशन की बात करते हैं या रिडक्शन की बात करते हैं, तो आपको चैप्टर नंबर 14 और चैप्टर नंबर 12, मतलब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जो लोगों के चैप्टर इधर उधर है मैं उनको बताऊं कि जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ज़्यादातर केमिस्ट्री हम पढ़ते हैं, तो वो केमिस्ट्री इस्तेमाल होती है इधर, जो इस्तेमाल होती है SP&D ब्लॉक में, ठीक है। तो ये हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे, एंड आई होप कि दिस वुड बी अ वेरी गुड जर्नी। अगर आप लोगों को कोई भी मसला है, तो आई वाज थिंकिंग कि मैं एक दिन लाइव आऊँ, एंड फॉर दोज पीपल हु आर माई स्टूडेंट्स, लाइव आऊँ और आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे आई एम गोना आंसर ऑल दोज क्वेश्चंस। ओके, सी यू सून विद अ फुल वीडियो ऑफ द फर्स्ट पार्ट ऑफ जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।